हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आप लोगों को न्यू पैटर्न पर आधारित किए गए हैं। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 1 में आज आपके सामने एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। साथ ही साथ कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक लेक्चर 1 हिस्ट्री का नहीं देखे होंगे, मॉडल सेट नंबर 1 का सोल्यूशन नहीं देखे, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से मॉडल पेपर को देख सकते हैं। आप लोगों ने काफी दिनों से वेट किए कि सर मॉडल पेपर कब आएगी, मॉडल पेपर कब आएगी। फाइनली आप लोगों को जैकबोर्ड ने मॉडल पेपर का सुनहरा ऑफर दे दिए गए। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल पेपर जो आए उन सब का सॉल्यूशन करवाइए, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जैसे आप सभी को पता होगा कि पिछले साल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, तो इस साल कर दिया गया है 30। लेकिन पिछले साल 40 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जो थे ज्योग्राफी में 40 क्वेश्चन नहीं था, उसमें कितना क्वेश्चन था तो याद रखिएगा 35 क्वेश्चन था। तो इस बार भी क्या घटा है? तो बिल्कुल आपके पेपर में आपका क्वेश्चन भी घटा है। याद रखिएगा इस बार आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, और किसमें? तो ज्योग्राफी में। बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना मार्क्स का, यानी मैं मान के चलूं 65 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का पेपर आप लोगों को देना होगा, जहां पे आप लोगों का मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगी। तो चलिए सबसे पहले आज पहला मॉडल पेपर है, एक बार अच्छी तरह से मैं बता दूं, एक बार ध्यानपूर्वक इसको समझना है। कुल प्रश्नों की संख्या 48 होगी, यानी कुल प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए तो 48 होगी। इसके बाद 1 से लेकर 25 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, जिसका पूरा का पूरा आपका 4-4 ऑप्शन मिलेगी, जिसमें से एक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन को चूज करना है, और हर एक ऑप्शन में आपका एक एक मार्क्स का आपको मिलेगी अगर सही उत्तर करके आएंगे तो। अब मैं बात करूँ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक, क्वेश्चन 26 से लेकर क्वेश्चन 34 तक अगर मैं बात करूं, जिसमें से आपको 7 प्रश्न का आंसर करना है। देखिए आपसे यहां पे देखिए, मैं अगर 26 के बाद काउंट करूं 27 28 29 30 31 32 33 34 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 7 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और हर एक प्रश्न जो है, याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न का मान एक एक अंक के होंगे, याद रखना है। क्या होगी? प्रत्येक प्रश्न का मान जो है आप लोगों का एक एक अंक का होगा, लेकिन आपको उत्तर जो है एक स्टेटमेंट लिखना होगा, मतलब एक ही वाक्य में आपको उत्तर भी लिखना होगा। अगर मैं बात करूं 35 से लेकर 42 तक, तो 35 से 42 तक जो होती है वो आप लोगों का अति लघु प्रश्न है, मतलब लघु प्रश्न ही है, जिसका आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। 6 प्रश्नों का उत्तर करना है, प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है 3 अंक जो है निर्धारित किए गए, कितना अंक जो है 3 अंक आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अगला स्टेट पे देखिए, अगला स्टेट में आपको कहा गया है क्या, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगला है कि 43 से लेकर 48 दीर्घ प्रश्न होंगे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आपके पेपर में छपेगी, जो आपको चार प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 4 मार्क्स का, सॉरी, आपका 4 प्रश्न जो है उसका आंसर करना आपके लिए कंपलसरी, आपको 4 प्रश्नों का उत्तर आपको हर हाल में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है 5 अंक का मिलेगा, यानी अगर चारों क्वेश्चन को आपको लिखते हैं सही से, अगर लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स इजिली से मिल जाएगी। तो बिल्कुल आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का फुल सोल्यूशन दिखाने वाले हैं, जो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर आप लोग मॉडल सेट नंबर 2 भी चाहते हो तो एक बार कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा मेरे लाल आप लोग कोरोना वायरस की तरह इस मॉडल पेपर को फैलाइए, ताकि झारखंड के एक एक बंदे तक यह पेपर पहुंचना चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेपर जो है पूरी तरह मॉडल पेपर जैकबोर्ड ने जारी कर दिया है। चलिए आगाज करते हैं आज के पहला क्वेश्चन को। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषण अध्ययन है, ये स्टेटमेंट देने वाले, ये कथन देने वाला कौन है? तो बताएंगे सर, ये कथन देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था, याद रखिए, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या नाम था? फ्रेडरिक रेटजेल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। यानी अगला क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँ, रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, ये प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों का ऐसे ही क्वेश्चन है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। और आप में से कोई स्टूडेंट जो अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, तो बिल्कुल आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। रुको और जाओ का निश्चयवाद का संकलन देने वाला व्यक्ति था कौन? ग्रिफिथ टेलर। क्या हो जाएगी? ग्रिफिथ टेलर, एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 21वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी प्रारंभ में, विश्व की जनसंख्या कितनी दर्जन की गई थी, कितना दर्ज की गई थी? तो 600 करोड़ से अधिक। कितने करोड़? 600 करोड़ से अधिक। पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 21वीं शताब्दी के आरंभ में, पूरे शुरुआत में 600 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का निर्माण करने वाले कौन थे? डॉक्टर महबूबुल हक। कौन थे? डॉक्टर महबूबुल हक ने ही किया था, याद रखिएगा, मानव विकास का सूचकांक का प्रतिपादन या निर्माण हम लोग इसको बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 पे, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए जो क्वेश्चन 5 है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। जंग का कटोरा हम लोग किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा पीटर्सबर्ग को हम लोग जंग का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग का कटोरा हम लोग बोलते हैं पीटर्सबर्ग को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि आयात निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। ये एक्चुअली अगर देखा जाए ना क्वेश्चन नंबर 7 ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, याद रखें किसे, इकोनॉमिक्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है पर आपसे यहाँ पे जियोग्राफी में पूछे गए तो आपको तो आंसर बताना होगा। तो आयात और निर्यात के बिच के मूल्य को अंतर को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा व्यापार संतुलन। क्या हो जाएगी, व्यापार संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी तक झारखंड बोर्ड में पहली बार पूछे गए हैं, पहले ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते थे पर जो क्वेश्चन 8 आप देख रहे हैं ये बिल्कुल झारखंड बोर्ड में न्यू पैटर्न पर आधारित किया गया है, आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी। हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद की जाती है, यानी इसका क्वेश्चन जो है ना इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको समझ में आ जाएगा। बर्फीले एरिया में आपको देखे होंगे, आप लोग सॉन्ग में हो या मूवी में हो या किसी भी जगह आप लोग देखे होंगे, पिक्चर में हो या गूगल पे हो या यूट्यूब पे देखे होंगे कि बर्फीले एरिया में ना छोटे छोटे जानवर को गाड़ी को स्लेज गाड़ी को खींचकर जो है दूसरी जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं सामान ढोने के लिए, तो ये किस जानवर का प्रयोग की जाते हैं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में यही पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कुत्तो एवं रेन डियरो, याद रखिएगा रेन डियरो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला स्टूडेंट्स हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो क्वेश्चन जो 9 दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। देखिए अगर मेनली मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ऑप्शन आपका होना चाहिए इनमें से सभी, जो आपके पास नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको अफगानिस्तान लगाना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, याद रखिएगा सार्क देशों में कुल 8 देश शामिल होते हैं, कितने 8 देश शामिल होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया था और वहां पे मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इसका उत्पाद इसका निर्माण कब हुई थी, कहां पे हुआ था, इसका मुख्यालय कहां, सारा चीज मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया था। पर यहां पे याद रखिएगा अफगानिस्तान आंसर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लास्ट डे से 2014 में इसको शामिल किया गया है सार्क में, तो यहां आपको तो ऑप्शन लगाना होगा एग्जाम में, अगर इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर तो आपको लगाना होगा, छोड़कर तो आपको पेपर में आना नहीं है। तो याद रखिएगा आपका सही उत्तर हो जाए क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर में छपने वाले हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या नहीं है, कौन सा परिभाषा जो है विशेषता एक नगर का अंग नहीं है पूछे गए, तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द तो सही उत्तर होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नहीं होगा, ये आपसे पूछे गए नहीं होगा यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखिए नगर पालिका निगम का होना ये भी सही है, जनसंख्या का आकार 5,000 व्यक्तियों से अधिक होना ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये जो है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन है, ये बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जो भी स्टूडेंट जमशेदपुर से हैं आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जमशेदपुर में औद्योगिक नगर बसाया गया है, कौन सा नगर, औद्योगिक नगर, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 12 नंबर में है, अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है, क्लासिक्स में हम लोग पढ़े हैं इग्लू कहा जाता है, क्या इग्लू किसे कहते हैं, हम लोग क्लासिक्स में पढ़े हैं कि इग्लू क्यों नहीं पिघलता है, इग्लू जो है बर्फीले एरिया का एक ऐसा घर है जो पूरी के पूरी तरह बर्फ से उसे बनाया जाता है। क्वेश्चन आते हैं 13 पे कि निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे बख्शित बताइए, देखिए मैंने आपको बात बताऊं तो आपको ध्यान से समझ रहे हैं, बस्तियां 3 प्रकार का होता है, एक होता है आपका लाइनर मतलब होता है एक समांतर, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है आप लोगों का त्रिभुजाकार, एक होता है चतुर्भुज के आकार का होता है। लेकिन याद रखिएगा सड़क के किनारे आपसे पूछे गए तो सड़क के किनारे कैसा बस्ती होगी आप सभी बताइए, क्या ये मान के चलिए सड़क है, ये क्या है सड़क है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन में है या नहीं बताइए आप लोग, क्या ये लीनियर इक्वेशन में आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, तो ये बिल्कुल रेखीय प्रतिरूप में है, क्या है
बिल्कुल अगर सही ढंग से देखा जाए तो क्या है, रेखीय प्रतिरूप, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 14 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार जो होगी क्वेश्चन नंबर 14 का याद रखिएगा मृदा लवणता, क्या हो जाएगी मृदा लवणता। ये तो मैं आप लोगों का अभी सेट 1 बता रहा हूँ, अगर सेट 2 से लेकर सेट 5 तक अच्छे तरह से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज, याद रखिएगा कोलक खोज, इन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत डीपली वाला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा आपके पेपर में जो पूरा डीप से पूछ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है आप लोगों का घटा है, क्वेश्चन का वेटेज अगर घटेगी तो याद रखिए क्वेश्चन का लेवल भी टफ होता जाएगा, ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 16 कि जल संरक्षण का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या रीजन है जिस कारण से जल संसाधनों को हम लोग को संरक्षण करना चाहिए, जल की कमी हो रही है, पहली बात तो सही है कि जल की कमी हो रही है जिस कारण से हमें जल को बचाना चाहिए। स्थानिक और ऋतु आवास असमानता है, पहले जो है समय के अकॉर्डिंग जो है बारिश होती थी लेकिन अभी समय के अकॉर्डिंग बारिश नहीं हो रही थी, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण, इसके भी ये भी सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर में है, देखिए ये आप लोगों का ब्लूप्रिंट जब एग्जाम हुई थी उस समय ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए थे, स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के विभाग है, तो बताएंगे सर थर्ड सेक्टर यानी तृतीय सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, देखिए जो आपके ऑप्शन है ना बहुत ही मिलता जुलता ऑप्शन है, आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, लोह आयस्क, कोयला, मैग्नीज या तांबा, तो बताएंगे सर लो आयस्क को हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारा उद्योग बिना लोहा का कोई भी उद्योग बन नहीं सकता है, जिस कारण से इसे हम लोग उद्योगों का जननी कहते हैं लो आयस्क को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया जो मैं कल ही आप लोगों को बताया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित करने वाला था, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, तारापुर, क्या हो जाएगा, तारापुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, जल संभर विकास और प्रबंध द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है, जैसे ये भी क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट में पूछे गए थे, आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, जल संभर विकास और प्रबंध द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम नीरू और मीरू का संबंध किस राज्य से है, मैंने आप लोगों को चीख चीख के बताया था कि याद रखिएगा आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। क्या एक बार बताइए, क्या मैं जब बताया हूं वो सारा क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा है, यानी जो मैंने आप लोगों को 5-5 सेट प्रोवाइड किया हूं, और आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से आप क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके पढ़कर आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना होगा, और आप लोगों का जो कोर्स स्टार्ट किया गया जो 45 दिन तक कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा, उस कोर्स का नाम याद रखिए क्रैश कोर्स, जिसका फी ओनली 4299 रुपीस है, आप अच्छी तरह से वहां पे जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आंसर, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है, जो स्वेज नहर है वो किन दो नगरों को आपस में जोड़ती है, किस सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर, क्या हो जाएगी, भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो याद रखिएगा घास स्थल से आपके पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगी, याद रखिएगा चाहे वो मॉडल पेपर हो, चाहे वो आपका ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो, ब्लूप्रिंट का एग्जाम को क्वेश्चन का जो है आप लोगों का लेवल टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही होगी, और मॉडल पेपर भी उसी अकॉर्डिंग सेट भी किया गया है, आप लोग अच्छी तरह से अभी देख पा रहे होंगे। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कहते हैं उसको डाउन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डाउन्स, ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 23 पे आते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक का उत्तरदायी है, जो प्रतिकर्ष है और अपकर्ष है का कारक का उत्तरदायी क्या है, प्रवास के लिए, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास जो है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के प्रवास कौन कौन है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक आंतरिक प्रवास, एक भारत के लिए है और एक भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति कमाने के लिए जाते हैं उनके लिए है। अगला क्वेश्चन पे आते 24, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, कितना, 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, जो डायमंड हार्बर है वह किस नदी पर स्थित है, तो डायमंड हार्बर जो है ना वो याद रखिएगा हुगली नदी पर स्थित है। कहां पे? हुगली नदी पर स्थित है। तो मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताया हूं, याद रखिएगा। अभी हम लोग मॉडल पेपर वन में 25 क्वेश्चन देखे, जिनमें से 23 क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जो मैंने आप लोगों को 5 सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया हूं, कहां पे? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। और मुझे इस पूरा यकीन है इस बात की कि कोई स्टूडेंट सिलेक्टेड सेट को अगर कर लेते, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपेगी। अब मैं बात करूं आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो दो आपके पेपर में एक एक मार्क्स के पूछे जाएंगे। जैसे संभववाद क्या है, आपसे पूछा जाएगा संभववाद क्या है, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें, गहन कृषि किसे कहते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, पल्ली बस्ती किसे कहते हैं, सतत विकास क्या है, ऋतु प्रवास क्या है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है, औद्योगिक की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। ये सब क्वेश्चन का ना अगर आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलिए। मैं सारा चीज का आपके सामने सोल्यूशन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको मानचित्र से रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मानचित्र में कहा गया है अलास्का, मेक्सिको की खाड़ी, जापान, केप टाउन, अब मुंबई के बारे में मानचित्र में दर्शाना है, सारा चीज मैं बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मिलते हैं। मिलते हैं नया मॉडल।